मतलब जैसे हमने कल लेविश टर्किश ब्रेकफास्ट किया था, आज हमारे लिए लेविश पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट है। तबाही, जायके की तबाही। बिहारी ईटिंग, बिहारी कबाब इन दुबई। मैं सही से डिस्क्राइब करूं इस बिरयानी के फ्लेवर्स को तो मैं कहूंगा ये कोलकाता स्टाइल बिरयानी और हैदराबादी स्टाइल बिरयानी दोनों का मिक्स है। आप फूड एक्सप्लोरर हैं, मैं आर्ट प्रैक्टिशनर हूँ, सो हम दोनों के बीच में एक चीज़ कॉमन है, वो है चाय, है ना। जैसे हम चाय से इंस्पिरेशन मिल जाते हैं हमें काम करते हुए, एंड बीच में ब्रेक लेना तो चाय पी लो, कुछ समझ नहीं आ रहा चाय की तलाश में खाली बैठे तो चाय पी लो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा तो चाय पी लो, कुछ अच्छा हुआ है तब चाय पी लो, कुछ बुरा हुआ है तब भी चाय पी लो। और उन्होंने जो क्या बोला था कल कि चाह से चाहत बढ़ती है, मकसूद भाई ने बोला था, चाय मतलब चाहत, चाह। बहुत बढ़िया। और हम हिंदुस्तानियों का तो दिन नहीं होता जब तक अच्छी चाय ना मिले, मतलब अपनी वाली चाय ना मिले, और ये वाकई अपनी वाली चाय है। अच्छा मुर्तजा बताइए हमें कि यहाँ पे क्या क्या करीज है। यहाँ पे हमारे पास ये न्यारी है, दम न्यारी ब्रेकफास्ट में होती है, और ये चना मसाला है, लोरी चना मसाला, और ये लोरी पाया है पाकिस्तानी स्टाइल में, और ये मिक्स दाल है हमारी स्पेशल, और ये ब्रेन फ्राई है, भेजा बोलते हैं जिसको, मगज़ फ्राई, और आलू करेला है वेजिटेबल, और दाल माश है, बाकी हमारे पास मटन स्पेशल है, मटन देगी कोरमा, और मटन में दम कीमा, और स्पेशल है चिकन हंडी, देश प्रदेश की जो स्पेशल चिकन हंडी, और ये स्पेशल है चिकन लोरी कढ़ाई देश प्रदेश की, और ये मटन हंडी है हमारे पास बोनलेस में होती है, और ये चिकन पेशावरी कढ़ाई है हमारी पाकिस्तानी, और ये मटन पेशावरी कढ़ाई है हमारे पास जो अभी लंच में मिल जाएगी। बाकी ये ब्रेकफास्ट के जो आइटम है ये ब्रेकफास्ट में होते हैं खाली नाश्ते में, बाकी जो आइटम है ये लंच में होते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयूब। आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान मंसरे से। तो वहाँ पे जो रोटी बनती है लोकल, आपके यहाँ कौन से तरह की रोटियाँ बनती हैं? हमारे यहाँ तो रोटी बनती है पाकिस्तान में, रोटी बनती है, शीरमाल बनते हैं, दफ्तान बनते हैं, खमीरी रोटी बनती है, कीमे के नान बनते हैं, आलू के नान बनते हैं, चिकन नान बनते हैं, रवे मैदे के पराठे बनते हैं, अच्छा बनते हैं, बेसन के पराठे बनते हैं, सब आइटम बनते हैं। तो जैसे मतलब मैंने देखा है इंडिया में वहाँ पे मतलब जो रोटी बनाने वाले होते हैं उनकी अलग दुकानें होती हैं, लोग अपना घर पे करीज बना ली और रोटियां बाजार से ले आते हैं, वैसे वहाँ भी ऐसे ही है, ऐसे पाकिस्तान में भी ऐसे दुकानें बनी होती हैं, होटल में भी मिलती हैं, दुकानें बनी होती हैं, उनमें हर चीज़ मिलती है। तो क्या बोलते हैं, तंदूरवान बोलते हैं उसको, तंदूर बोलते हैं, तंदूर बोलते हैं, तंदूर जी हाँ। जो फूड कल्चर है दोनों ही मुल्क का वो सेम है यहाँ माशाल्लाह से। हाँ, तो यहाँ पे कौन सी रोटी लगा रहे हैं? यहाँ पे अभी मैं ये सादी रोटी लगाता हूँ, रोगनी नान लगाता हूँ, चिकन के नान लगाता हूँ, कीमे के नान, आलू के नान, सादा पराठा, ये सब आइटम यहाँ पर। सादा पराठा मैदे का बनाते हैं, गेहूं का? नहीं, आटे का बनाते हैं। आटे का बनता है? हाँ, गेहूं का। गैस तंदूर है? सफेद तिल,
तो नरेश जी, हमने पूरा किचन का टूर किया और जो तंदूर पे रोटियां बना रहे हैं उनसे भी बातें की, तो देख कैसा लगा कि मैं महसूस नहीं कर रहा था कि मैं किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, अच्छा ऐसा लग रहा था कि मैं अपने कोई इंडियन रेस्टोरेंट में ही हूँ है और इंडियन से ही बात कर रहा हूँ। प्लेन रोटी सर, क्या बात है, आलू का पराठा सर, प्लेन पराठा सर, ये सिर्फ रोटी पराठे में पेट भर जाएगा, तंदूरी पराठा सर, सिर्फ पराठा आज नहीं, वो भी ये कुलचा है, इसमें ये कुलचा है, जी जी कुलचा। देखिए ये पूरी तंदूर की दुकान लगा दी आपने यहाँ पे। चना मसाला हो गया, चना मसाला, कीमा, ये मटन कीमा, मटन प्योर मटन सर, ये तवा कीमा है, जी जी वो क्या बात, मतलब जैसे हमने कल लेविश टर्किश ब्रेकफास्ट किया था, आज हमारे लिए लेविश पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट है। और हाँ देखिए, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो खमीरी रोटी लग रहा है, और चिकन हलीम, चिकन हलीम जी सर, ओके, एंड मटन पाया सर, ओके, आई थिंक इनफ, आन दो तबाही मचाएंगे आज भी यार। आलू करेला सर, वेजिटेबल, दाल एंड अंडा कोफ्ता सर, अंडा कोफ्ता, मतलब कैसे बनाते हैं, नरगिसी कोफ्ता है, तो उसमें तो उबला हुआ अंडा होता है, उसके ऊपर में कीमा होता है, कीमा, हाँ कीमे के कोफ्ते बनते हैं, ठीक है, उसके बाद जो ग्रेवी बनती है उसको मिक्स करके बनाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट बट अच्छा है, मटन है। ये जो पूरा का पूरा स्प्रेड है, ये ट्रेडिशनल पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट डिशेज हैं, इसमें कई तरह की रोटीज़ हैं, साथ में करी है। शुरुआत यहाँ से करें तो ये रोटी है, कुलचा है, रोगनी है, आलू पराठा है, तंदूरी पराठा है और प्लेन पराठा है, जो मतलब फ्राइड पराठा है, और यहाँ पे माश की दाल है, मतलब उड़द की दाल, छोले हैं, लाहौरी चने, तवा कीमा, मटन पाया, चिकन हलीम, आलू करेला और सूजी का हलवा है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल। ये हलवा आपको वीकेंड पे हलवा पूरी के साथ मिलता है, लेकिन बाकी सारे दिन ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है ब्रेकफास्ट में। चलिए यहाँ पे मतलब सभी अलग अलग तबके के लोग यहाँ पे आते हैं खाने के लिए, मतलब अफोर्डेबल फूड, बहुत रीजनेबल है, नीचे से ऊपर तक हर तबका खा सकता है इसको आराम से। चलिए खाना ऐसा ही होना चाहिए, जायके के साथ में, पॉकेट पे भी हैवी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। रोगनी नान और ये मटन कीमा, ये जो रोगनी नान है ये मीठा है, तो ये मटन का कीमा बना के फिर तवा पे फ्राई किया गया, प्याज टमाटर मसाले डाल के, चिकन हलीम, ऊपर में धनिया, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज, फ्राइड प्याज, और हलीम ऐसे भी खाते हैं लोग, साथ में खमीर रोटी के भी खाते हैं। हल्दी का बहुत ही प्रोमिनेंट फ्लेवर है और अच्छे से घुटी हुई है हलीम, वाह बिल्कुल थिक पेस्ट की तरह, बहुत शानदार है हलीम, बहुत बढ़िया, तबाही, जायके की तबाही, वाह। अब ये खाते हैं कुलचा, बाहर में इसको लौकी खाना बोलते हैं, फुल मसालेदार है, क्या बात, अंडा अलग है और कीमा कोफ्ता अलग है, कीमा कीमे का भी बॉल बना के साथ में कर दिया है, अच्छा अंडा कोफ्ता करके, ये थोड़ा मटन कीमा, बॉयल्ड एग,
मतलब देखने में सब एक जैसे लग रही है लेकिन सबका जायका जो है अलग है। ऊपर से वाओ रोबोट का मजा आ रहा है सर, आपको चाहिए? बहुत बढ़िया पाया, बहुत शानदार बना हुआ है, बहुत अच्छा है। और आपका ढेर सारा प्यार चाहिए। जब पाया खाते हैं या जो हम लोग खड़ोड़े भी बोलते हैं उसमें एक लस्सापन होना चाहिए, है ना, वो इसमें है, टेक्सचर में वो पहचान है अच्छे पाए की। ठीक है, अच्छे तरीके से दम पे पकने की वो पहचान है, क्योंकि वो आप अगर जल्दी बनाओगे तो वो लस्सापन जो है वो कभी नहीं आएगा, जो स्टिकीनेस होती है जब तक देर तक पकेगी चीज तभी आएगा। ज़्यादा स्पाइसी, ये माइल्ड है, माइल्ड है, माइल्ड है। आइए अब पाया खाया जाए। वाह वाह वाह, ये मटन का पाया, अरे वाह। अंडा कोफ्ता मिल जाएगा, पाया मिल जाएगा, बहुत टेस्टी है पाया, बहुत ही उम्दा है, जेलेटिनस और फैटी। आइए साहब आलू करेला खाया जाए। इसमें बहुत सारा प्याज है, प्याज टमाटर बहुत ज़्यादा है, तो जो करेला का बिटरनेस है बहुत माइल्ड है, माइल्ड बिटरनेस है। ये रोटी नहीं देख रहे हम पराठे, रोगनी, नान सब खाया, प्लेन रोटी नहीं खाई। आपने प्लेन पराठा खाया? प्लेन पराठा नहीं खाया, उसको भी आप पाए के साथ खाइए। उम्दा पाया, एनी डे पाया। हम लोग घर पे एक्चुअली हमारा जो शोरबा है ना थोड़ा पतला होता है इससे जो हम घर में बनाते हैं, और हम लोग क्या है इसको बोल में लेके सूप की तरह पी लेते हैं ठंड में, एंड ठंड में इसको पीने से हमारी बॉडी में गर्मी रहती है, हमको उतना स्वेटर्स और वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ में ये भी है ना कि जैसे इतना ये न्यूट्रिशन इसमें होता है जी, एक तो गर्माहट तो पहुँचाता ही है लेकिन आपके बोन्स के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत लुब्रिकेशन बोन्स को बहुत देता है इसका शोरबा। और दूसरी बात यह है कि आप लखनऊ से आते हैं जी, इसलिए आपके उधर पतला बनता है जी, दिल्ली में जाएंगे इसी टाइप का मिलेगा, इसी टाइप का मिलेगा, वहाँ पे गाढ़ा खाते हैं। मदद है ये वो नहीं है, दिस इज नहीं, खरबूज, खरबूज का नहीं है, मगज है, मगज, मगज मारी नहीं करने का, हलवा खाने का। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा देश परदेश का वो अच्छा रहा, जो फ्लेवर्स थे बिल्कुल देसी रस्टिक फ्लेवर्स थे, और सभी की सभी चीज़ें बहुत पसंद आई, स्पेशली पाया। अच्छा है भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और खाना भी बहुत बढ़िया था। जो पड़ाव है वो है डेली रेस्टोरेंट, डेली मशहूर है कबाब बिरयानी के लिए, अच्छी निहारी भी बहुत बढ़िया होती है, दीप निहारी। सो आप डेली आते हैं यहाँ पे? डेली तो नहीं आते बट यार डेली क्या है कि हर आदमी जो डेली खाना चाहता है वो यहाँ पे आके खा सकता है फ्रेश फूड, बट इसका बिहारी कबाब बहुत मशहूर है, तो आप आपको हम स्पेशल बिहारी कबाब खिलाएंगे। चलिए दुबई में बिहारी खाना। ये तस्वीर देखिए, जिस तरह से पुरानी दिल्ली में बावर्ची खाना पकाते हैं ठीक उसी तरह से ही पाकिस्तान में भी खाना ऐसे ही लकड़ी के चूल्हे पे पकता है। ये चाय वाले, ये मतनी वाली लस्सी, इधर गुलाब जामुन।
पे आज बिहारी बोटी ट्राई कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट बिहार से ही इसका ताल्लुक है, वहाँ की ट्रेडिशनल है। और जैसे हम बाकी कबाब बनाते हैं कीमे से, ये कीमे से नहीं बनता है, ये बारीक थिन लेयर्स ऑफ मीट कट किया जाता है, थाई का होता है गोश्त, और उसको सीख पे चढ़ा के फिर कोयले पे बनाया जाता है। एंड इट इज़ लाइक इसमें कैरमलाइज्ड अनियंस, जो तली हुई प्याज होती है वो पड़ती है, स्पाइसेस बिहार के स्पेशल ट्रेडिशनल स्पाइसेस होते हैं, जैसे हमारे लखनऊ के टुंडे कबाबी के, तो इनके अलग स्पाइसेस होते हैं। और इसका जायका इसी से आता है कि ये बहुत ही बारीक गोश्त थाई का जो होता है रान का, वो काट के उसको ऐसे लेयर्स पे सीख पे लगा के बनाया जाता है। चलिए, बिहारी ईटिंग, बिहारी कबाब इन दुबई। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि इंडिया में मैंने कहीं बिहारी बोटी नहीं देखी है बिहार के बाहर। सीरियसली? नहीं मिलती, नहीं मिलती। दिल्ली में भी नहीं खाया। जब मैं पटना गया, हमने पटना की फूड सीरीज़ की और वहाँ पे एपिसोड बनाया नॉन वेजिटेरियन फूड का, सब डाला, तो मैंने उसमें वीडियो में बोला, मैंने कहा नहीं मिलता है, तो मेरे को बहुत सारे मैसेजेज आए पाकिस्तान से कि हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन है। मैंने देखिए यहाँ पर नहीं मिलता, बिहार में आपको हर जगह पर नहीं मिलेगा, मतलब कुछ जगहों पर ही मिलेगा। और मैं कल उनसे ही बात कर रहा था, मकसूद भाई से, मैंने उनसे पूछा ये बिहारी, मतलब बिहारी बिहारी बोलते हैं ना, बिहारी बिहारी कबाब सब पे भारी वो तो सच्चाई है। तो वो बिहारी जो कबाब है वो कहते हैं कि मैंने क्यों इसमें क्या स्पेशल होता है, उन्होंने कहा इसमें ना इसमें गिलावट बहुत मिलाई जाती है, बिल्कुल, तभी तो वो मुंह में जाते ही गल जाता है, पिघल जाता है कबाब। भाई आप थोड़ा सा इसको कंपेयर कर सकते हैं हमारे गलौटी कबाब से, मतलब टेक्सचर बिल्कुल कीमे वाला है। वो कह रहे थे कि अगर आप सिर्फ बिहारी कबाब मांगेंगे तो बीफ का होगा, yes, या फिर आप बोलेंगे तो चिकन बिहारी कबाब, तब वो चिकन का मिलेगा। चिकन है मुझे ऐसे बिखरता जा रहा है। और वो देखिए जो नॉर्मल चिकन के अंदर ड्राइनेस होती है वो नहीं है इसमें, वो रीज़न उसका वही है कि चिकन की लेयर बहुत बारीक कटी हुई है, मतलब इसको खाने के लिए दांतों की जरूरत नहीं है, होटो से ही खा लेंगे। सिंपली मेल्ट इन माउथ ये बोटी कबाब है, उसको तो बोटी बोलना ही मुझे मतलब सही लग नहीं रहा है, क्योंकि बोटी बोल के थोड़ा जो टेक्सचर बोटी का अलग होता है, खींचना पड़ता है, हमें बोटी कबाब नहीं है, ये बिहारी कबाब ही है, बिहारी है नहीं बिहारी, और बिहारी कबाब है और बिहार से है तो उम्दा तो होना लाजमी है। कोबदी कबाब है, दिस इज अ वेरी स्पेशल डिश फ्रॉम अफगानिस्तान। सो ये अब नॉर्मल देखेंगे सीख होते हैं, टिक्के होते हैं, इसमें फैट में मत आएंगे, अपने मसाले होते हैं, एंड दिस आर रॉन्ग गोल कबाब, दे वेरी जूसी एंड ऑब्वियसली सम टिंच आप देखोगे टमाटर का, क्योंकि टमाटर के साथ साथ इसके हो रहे हैं ना बुंदा, थोड़ा सा आप टिंच देखोगे टमाटर के इसमें। और वो है बॉन्जुम बैगन का बनता है, उससे स्टार्ट कीजिए, दैट्स एक्चुअली एपेटाइजर। अच्छा, ये मिंट है, पुदीना सूखा सूखा पुदीना, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, हाँ। चलिए अब एक कोबदी खाया। अच्छा ये क्या, यहाँ पे जितने भी जो कबाब के जिसमें कबाब बनाते हैं सीख हैं वो चपटे होते हैं ना, चपटे ईरानी वाले में देखा है, चपटे होते हैं। देखिएगा ये भी बहुत माइल्ड स्पाइसेस, वाओ बढ़िया। और कोफ्ते की तरह ही है, मतलब कीमे का कोफ्ता, हरी मिर्च, लाल मिर्च और प्याज डाल के बनाया गया है, और जो कीमा है वो भी दर्द रहा है, शानदार थिकनेस है कबाब में, तो पका प्रॉपर, जलाया नहीं,
ऐसे कबाब पसंद है? बढ़िया कबाब, बहुत अच्छा कबाब, उम्दा है। एक जो अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है, इनफैक्ट मैं सचिन पहली बार खा रही हूँ इसे यहाँ पर आज, आप स्पाइसेस अलग आपको फ्लेवर दे रहे हैं, मीट आपको अलग फ्लेवर दे रहा है, इसका अमलगमेशन नहीं हुआ है, अलग अलग आप टेस्ट कर सकते हैं हर चीज़ को। ऐसी ना, धनिया है ज़्यादा, एक ही चीज़ को आप इसमें समझ सकते हैं कि क्या क्या पड़ा हुआ है। ये सही है, मीट अलग जायका दे रहा है और मसाले अलग जायके दे रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो हम लोग डेरा गए थे पाक लियारी, लेकिन बिरयानी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा था आए थे बड़े आस के साथ जा रहे हैं उदास होके, तो उस दिन बिरयानी नहीं खा पाए थे, तो दोबारा हम लोग यहाँ पे आए हैं मीना बाज़ार इलाके में और यहाँ पे हम खाएंगे इनकी बिरयानी। 20 मिनट का वक्त और लगेगा, प्रेयर्स ख़त्म होने के बाद ये ऑपरेशनल होगा और फिर हम बिरयानी खाएंगे और उसका जायका भी हम ही लेंगे, आपको भी दिलाएंगे। बिरयानी सर्व करने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है, दो थाल है, एक बड़ी एक छोटी, छोटी थाल में बिरयानी है, उसको आप बड़ी थाल में डालते हैं, उसका मिला के खाते हैं। और हमने मंगवाया है चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी? ये मटन है, मटन डबल मसाला, चिकन डबल मसाला। और ये जो कलर है ये मसालों का ही कलर है, इसमें कोई फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्या बात है। और लंबे वाले चावल है, लंबे दाने वाले चावल है इसमें, हाँ खुशबू भी बहुत ही उम्दा है। शुरू करें, चिकन लेग पीस चाहिए, चिकन लेग पीस, आलू भी चाहिए और इसमें एक पूरा आलू का टुकड़ा है, ये मटन के पीसेस, चावल कितना मॉइस्ट है, ड्राई बिरयानी नहीं है, मतलब सूखी बिरयानी अलग से उतरती नहीं है। अब मसाले बराबर हैं, हालांकि डबल मसाले वाली है लेकिन फिर भी तेज नहीं है, ये चिकन वाला खाते हैं। ये थोड़ा माइल्ड है, फ्लेवर वाइज। तो इस तरह से आपने बिरयानी मंगवाई है डबल मसाले वाली, ठीक उसी तरह से आप इंडिया में हैदराबाद में जाएंगे वहाँ भी ऐसे ही होता है डबल मसाले। लेकिन बताओ ये मसाला डबल बोलने के बाद भी स्पाइसी नहीं है? हाँ बिल्कुल, वो बहुत स्पाइसी होता है। अगर मैं सही से डिस्क्राइब करूँ इस बिरयानी के फ्लेवर्स को तो मैं कहूँगा ये कोलकाता स्टाइल बिरयानी और हैदराबादी स्टाइल बिरयानी दोनों का मिक्स है। जैसे बहुत जगह पे जो कोलकाता स्टाइल बिरयानी होती है उसमें आलू बुखारे का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भी आलू बुखारा डला हुआ है, प्लम्स इसमें है, उसका स्वीटनेस है इसमें, मसाले बहुत ही सटल हैं, चावल जो है बिल्कुल मॉइस्ट है, मीट परफेक्टली कुक और बहुत ही फ्लेवरफुल बिरयानी है। और साथ में इसमें आलू भी है, तो एक तो कोलकाता का वो भी एंगल है इसमें, बहुत बढ़िया। और मैंने सही बोला, ये रोज़ खा सकते हो, मतलब हैवी नहीं है, मतलब आप जब बिरयानी खाते हैं तो खाते ही मैं कहता हूँ एंटासिड की ज़रूरत पड़ती है, ये वैसी वाली बिरयानी नहीं है, हल्की बिरयानी है और थोड़ा इसमें रस है इस बिरयानी में। बहुत बढ़िया बिरयानी है, मतलब आई विल रेट इट वन ऑफ द बेस्ट बिरयानीज आई एवर हैड, हाँ बढ़िया बिरयानी है। मेरे को वैसे भी कोलकाता से बिरयानी थोड़ी अच्छी लगती है, और ये तो कोलकाता हैदराबाद दोनों का मिक्स है, पुदीना भी डला हुआ है इसमें, हैं मसाले भी हैं, साउथ मसाले भी हैं, पिसे मसाले भी हैं,
मतलब इसको खाने में मजा ऐसे कि अच्छे से जो चावल हैं उसमें सारे मसाले लिपटे हाँ, थोड़ा इसमें आलू हो, थोड़ा इसमें चिकन हो, उसके बाद फिर सबको मिलाया जाए और फिर निवाला तैयार किया जाए। This is what I call biryani. बहुत ही उम्दा, वाह मैं आ गया दिल्ली वाला। हर एक जाने में जायका, वो है असल बिरयानी। कि आपको गोश्त से ज़्यादा चावल खाने में मज़ा आया, वो है असल बिरयानी। मीट हो, उसके फ्लेवर्स चावल में समावेश कर जाएं, वो है असल बिरयानी। जो ग्रीजी ना हो, ना ज़्यादा ड्राई हो, वो है असल बिरयानी। जिस बिरयानी में गोश्त अच्छे से पका हो, वो है असल बिरयानी। इसके चावल खिले खिले बने हों, वो है असल बिरयानी। इसमें मसाले तेज ना हो, एक सटल फ्लेवर हो मसालों का, वो है असल बिरयानी। और सही महीने में ये है असल बिरयानी, मतलब बिरयानी की खाली प्लेट। बिरयानी तो ये है प्रमाण, प्रमाण प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत। बिरयानी खाने के बाद हम लोग ने देखा यहाँ पे कैसे बिरयानी को काटा जाता है, कैसे निकाला जाता है। और सर बताइए, इस बिरयानी के बारे में आप बता रहे थे, इसको सिंधी बिरयानी बोलते हैं। इसको सिंधी बिरयानी हम लोग बोलते हैं। हमारा एक लियारी जिसे नाम रखा गया है, तो एक कराची में एक एरिया है लियारी जहाँ हम बिलोंग करते हैं, तो वहीं से ही जो ये एक टेस्ट आया है। तो इसमें सिंधी बिरयानी बेसिकली क्या है कि पहले जो मटन को पूरा पिघला जाता है, उसके बाद जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई खाने वाला है तो वो मटन पे चम्मच भी रखे तो अच्छा उसका टेस्ट है। तो इसलिए और मसाला हम लोग एक लोग कुछ बोलते हैं कि हमें ज़्यादा स्पाइसेस चाहिए होती हैं, तो हम उस हिसाब से इसको ज़्यादा स्पाइसेस बोलते हैं। और जो नॉर्मल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल कस्टमर्स भी हमारे पास आते हैं जैसे अरबिक लोग हैं, तो वो स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते, तो हम उसको अरबिक बना के देते हैं कि थोड़ा सा मसाला हो और एक वाइट राइस की एक लहर हो, तो उसका एक अलग लुक बना। तो बस ये करते हैं, मतलब गोश्त पकाते हैं, उसके बाद चावल की परत लगाते हैं, फिर दम लगा देते हैं। दम लगाते हैं 30 मिनट इसको, जो हम लोग दम पे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 30 मिनट को दम पे लगाते हैं, जिसमें जो चावल भी हैं वो पके जाए और मटन जो है वो भी अपना जो कलर हो वो टेस्ट है वो छोड़े। तो यहाँ पर जाकर कस्टमर्स आते हैं, ज़्यादा कौन सी बिरयानी पसंद करते हैं, चिकन की मटन की? ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं मटन। मैं सही बताऊँ तो मैंने भी दो तरह की बिरयानी ट्राई की, मटन और चिकन दोनों ही। मटन ज़्यादा मज़ा आया खाने में। मटन का टेस्ट जैसे वो जूसी जो मटन होता है वो निकलता है जब, तो उसका एक टेस्ट है डिफरेंट होता है। और एक और चीज़ मैं नोटिस की कि आपके बिरयानी में आलू बुखारा भी है। जी जी, हमारी अगर बिरयानी आप देखी जाए तो कुछ जब मसाला उस्ताद वगैरह बनाते हैं तो मैं हमेशा उनके पास होता हूँ, तो उसमें कुछ मसाले ऐसे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर आप कहीं हकीम या कुछ तो बोलते हैं, जैसे आपका पेट ख़राब हो जाए तो ये चीज़ नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि इसमें चीनी जो एक होती है दालचीनी जो होती है वो डली जाती है, वो इलाज के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो इलाज के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। गर्म मसाले जो होते हैं वो ये उस्ताद की एक रेसिपी है, माशाल्लाह आप लोगों ने खाई और टेस्ट कैसा लगा वो? बहुत बढ़िया लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। चलिए सर, थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? जुनेद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। The way you drink here is you keep drinking. When you finish, if you hand it to him, see, he'll pour more. Okay, he doesn't. That's how hospitality here is. The gag is it comes from the word raqiq. It means thin and crispy. This is a cross between a pancake and a crepe, close to a dosa. So, which is your favorite part of the lamb? For me, anything on the back and the neck. This, you know, the neck and the back is always the best for me. Hot bread and hot kebab. It is, wow. It's boiling hot. Just be careful, huh? No.